अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पेपर ट्रेडिंग क्या होती है, अपने मोबाइल में इसे आप कैसे कर सकते हैं। इसी वीडियो में मैं आपको लाइव पेपर ट्रेडिंग करके भी दिखाने वाला हूं, साथ ही पेपर ट्रेडिंग के लिए अकाउंट कैसे बनाया जाता है ये भी आप इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि बिगिनर्स को पेपर ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए, लेकिन ये बताने से पहले आपको पेपर ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए दोस्तों, पेपर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप लाइव मार्केट में शेयर बाय सेल करेंगे या फिर स्टॉक ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए आपको अपनी जेब से पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। आपको पेपर ट्रेडिंग के लिए वर्चुअल मनी दी जाती है, वो बिल्कुल रियल पैसे की तरह ही वर्क करेगी। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो जो कुछ भी आप शेयर मार्केट में बाय सेल करेंगे वो सब एक्चुअल मार्केट की तरह होगा, लेकिन जिस पैसे को यूज करके आप ट्रेडिंग करेंगे वो पैसे रियल ना होकर वर्चुअल मनी होगी। इस पैसे को आप विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको रियल टाइम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने का मौका मिल जाता है। इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होता है और मार्केट को करीब से फील करने का मौका मिलता है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बिगिनर्स बिना नॉलेज के ही शेयर मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं और अपने सारे पैसे को नॉलेज और एक्सपीरियंस की कमी से डुबा देते हैं। तो इसलिए आपको पहले पेपर ट्रेडिंग से चीजों को समझना चाहिए, इसके थ्रू आप अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले हमें यहां पर अपने क्रोम को यहां पर ओपन कर लेना है। यहां पर क्रोम को ओपन करने के बाद यहां पर आपको सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू पेपर ट्रेडिंग, इसको आपको सर्च करना है। इसके बाद देखिए यहां पर जो आपके सामने पहली यहां पर वेबसाइट दिख रही है www.tradingview.com करके यहां पर देखिए आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने ये वेबसाइट यहां पर ओपन हो जाएगी। अब अगर आप यहां पर पहली बार इसे ओपन करेंगे तो यहां पर आपको जो है अपनी मेल आईडी से लॉगिन करना होता है। चलिए मैं यहां पर जो है इसे लॉगिन कर लेता हूं। इसे लॉगिन करने के बाद देखिए यहां पर ये कह रहा है कंटिन्यू एज, जो भी आपका मेल आईडी में नाम लिखा होगा यहां पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर ये फिर से यहां पर कुछ लॉन्च हो रहा है। अब यहां पर देखिए ये लॉन्च हो चुका है। अब इसके बाद यहां पर कह रहा है यूजर नेम आपका ये होगा, इसके बाद यहां पर आपको टिक करना है और इस बॉक्स में भी टिक करना है और उसके बाद यहां नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहां पर आपको जिस भी शेयर में ट्रेडिंग करनी हो, बाय और सेल करना हो, पेपर ट्रेडिंग करनी हो, उसको आपको क्या करना है, यहां पर आपको सर्च कर लेना है। अब मान के चलते हैं कि देखिए मैंने वहां पर सर्च करा तो यहां पर आपके सामने कई सारे यहां पर सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये यहां पर ऑलरेडी एड है। अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर बैंक निफ्टी है ना, और यहाँ पर BTS है, APL एप्पल इंक है, निफ्टी 50 है, इस तरीके से यहाँ पर आपको काफ़ी सारी यहाँ पर इंडाइसेस जो है स्टॉक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे ऑलरेडी। अब यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, आपको जिस भी स्टॉक में पेपर ट्रेडिंग करनी हो आपको उसको यहाँ पर सर्च करना है। अब मान के चलते हैं कि हमें यहाँ पर जो है टाटा एलेक्सी में यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग करनी है, तो हमें यहाँ पर क्या सर्च करना है, टाटा एलेक्सी। तो देखिए यहाँ पर टाटा एलेक्सी आ गया है ना, ये NSE का स्टॉक है और यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा है ये BSE का स्टॉक है। तो सपोज करिए मैंने इस पर क्लिक करा NSE वाले पे और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है लॉन्च चार्ट सी ओवरव्यू। अब यहाँ पर मैं लॉन्च चार्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे आप लॉन्च चार्ट पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ फिर से ये एक स्टेप जो है आगे प्रोसीड होगा, ये एक नया यहाँ पे पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखिए आपके सामने, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए यहाँ पर देखिए टाटा एलेक्सी का यहाँ पर जो है चार्ट यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आप सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको आपको दिखाई दे रहा है ना, तो देखिए यहाँ पर आपको एक ट्रेडिंग पैनल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ट्रेडिंग पैनल, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए मैं इसको आपको जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर दिखाई दे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आपने ट्रेडिंग पैनल पर क्लिक करा तो यहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पेपर ट्रेडिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप पेपर ट्रेडिंग पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर देखिए कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कनेक्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए और नीचे अगर आप देखेंगे, ये थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। यहां पर देखिए आपको ओके पर मैं क्लिक कर देता हूं, तो यहां पर देखिए आपको अकाउंट बैलेंस में आपको देखिए 1,00,000 रुपए यहां पर मिल गए हैं, इक्विटी के लिए भी आपको मिल गए हैं। देखिए अभी आपका प्रॉफिट एंड लॉस 0 है और यहां पर देखिए आपको
ट्रेडिंग पेपर ट्रेडिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब मान लेते हैं कि अब यहाँ पर देखिए आपको पोजीशन, ऑर्डर्स, हिस्ट्री ये सारी आपको यहाँ पर चीज़ें दिखाई देंगी, लेकिन ये तब एक्टिवेट होंगी जब यहाँ पर मैं कोई ट्रेडिंग करूँगा। तो अब मान ले चलते हैं कि हमें टाटा एलेक्सी में ही जो है पेपर ट्रेडिंग करनी है, तो मैंने इसको यहाँ पर जूम आउट किया और इसके बाद मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको मोबाइल में करके दिखा दे रहा हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके पास मोबाइल है तो ये आप इसमें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है इसमें पेपर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको मैं थोड़ा सा और आपको जूम करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इधर करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आपको देखिए अब हम वापस से इसे जो है मैं इसको डेस्कटॉप साइड से हटा देता हूँ और इसको जो है मैंने फिर से अपने मोबाइल व्यू में ले आया हूँ। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हुआ दिखाई दे रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें पेपर ट्रेडिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये एक ये ट्रेडिंग व्यू का यहाँ पर आपको लोगो दिखाई दे रहा है ना, इस पर अगर देखिए आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पेपर ट्रेडिंग में देखिए एक लाख रुपए बल्कि यहाँ पर देखिए यूएस डॉलर में आपको मिलता है। तो 1 लाख यहाँ पर यूएस डॉलर आपको मिल चुका है। इक्विटी में आप यूज़ कर सकते हैं, अभी कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है। पोजीशन, ऑर्डर हिस्ट्री, अकाउंट हिस्ट्री ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन कब दिखाई देगा, जब आप पेपर ट्रेडिंग करेंगे इसमें रियलिटी में। अब मैं इसको कट करता हूँ और मान के चलते हैं कि टाटा एलेक्सी का जो यहाँ पर मैंने यहाँ पर चार्ट ओपन करा है इसी में मुझे यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग करनी है। तो मैंने इस पर देखिए क्लिक करा, तो इस पर क्लिक करने के बाद या आप इस पर रेड वाले पे क्लिक कर सकते हैं या आप यहाँ पर ब्लू वाले पे, दोनों में से किसी पर भी क्लिक करेंगे तो आप जो है सेम जगह ही पहुँचेंगे। अगर आपको बाय करना है इसके शेयर तो यहाँ पर आपको बाय पे ही रहने देना, अगर आपको सेल करना है तो आपको सेल पर क्लिक कर देना है। तो फिलहाल जो है मैं यहाँ पर बाय कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर बाय पर क्लिक करा। ठीक है, अभी देखिए इसका प्राइस जो है 7,488 रुपये चल रहा है बाय करने में। और इसके बाद अब यहाँ पर देखिए मार्केट लिमिट और स्टॉप, यहाँ पर आप मार्केट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं और स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगा सकते हैं। तो सारी चीज़ें मुझे आपको लाइव करके दिखाना है तो मैं यहाँ पर मार्केट को ही चूज रहने देता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये कह रहा है यूनिट, अब यहाँ पर यूनिट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, आप जितनी भी यूनिट में इसे बाय करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो मान के चलिए कि मैं यहाँ पर जो है 50 यूनिट इसकी जो है 50 क्वांटिटी में बाय करना चाहता हूं, तो मैंने यहां पर देखिए 50 यहां पर फिल कर दिया है। इसके बाद यहां पर आप जो है एक प्रॉफिट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएगी, और अगर आप स्टॉप लॉस पर करेंगे तो यहां पर अपना स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं दोनों चीज़ें रहने देता हूं, क्योंकि आप एक बिगिनर हैं तो ज़्यादा आपको टिपिकल चीज़ें नहीं बतानी है, पहले आपको जो आसानी से समझ आ सके और आपके काम की चीज़ भी हो वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद यहां पर देखिए आपको बाय लिखा हुआ है, बाय 50 NST टाटा एलेक्सी मार्केट प्राइस पे। इस पर आपको क्या करना है, इस पर आपको सिंपली जो है क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डर दिस इज एग्जीक्यूटेड अबाउट 50 NST टाटा एलेक्सी एट 7,484.80 रुपये में मार्केट प्राइस पर। अब मुझे यहाँ पर इसे कट कर देना है और मैं फिर से यहाँ पर दोबारा से इस आइकन पर आ जाता हूँ, अपने ट्रेडिंग व्यू के आइकन पर आता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पोजीशन में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने यहाँ पर देखिए लॉन्ग में क्वांटिटी 50 यहाँ पर मैंने इसकी बाय करी है और प्रॉफिट एंड लॉस देखिए जो मेरा हो रहा है इस समय 2.25 USD मतलब यूएस डॉलर में हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ऊपर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे देखिए -2.28 दिख रहा है, तो मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, यहाँ पर मुझे सारी चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी। अभी मैं आपको देखिए एक और शेयर जो है पेपर ट्रेडिंग में बाय करके दिखा देता हूँ। उसके लिए क्या करना है, मैं फिर से इसको कट करता हूँ और मैं यहाँ पर जो है सर्च करता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो मैंने यहाँ पर टाइप किया रिलायंस, अब यहाँ पर देखिए रिलायंस, यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री का NSE का स्टॉक भी आपको दिख रहा है और BSE का स्टॉक भी आपको दिखाई दे रहा है। तो मैंने सिंपली क्या करा, इस पर क्लिक करा NSE वाले पर, तो अब यहाँ पर देखिए आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज का यहाँ पर ये चार्ट ओपन हो गया है। इसमें मुझे जो है पेपर ट्रेडिंग करनी है, तो सिंपली मैंने क्या करा, इस पर क्लिक करा। इस पर क्लिक करने के बाद मुझे बाय करना है या सेल करना है, या आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बाय करके दिखाया है, उसके बाद अब देखिए मैं आपको यहाँ पर पहले सेल करके दिखा देता हूँ। तो क्या करना है, मैंने सेल पर क्लिक करा, मार्केट लिमिट स्टॉप मैं यहाँ पर तुरंत आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर मार्केट को चूज करता हूँ, उसके बाद यूनिट में उस बार मैंने 50 क्वांटिटीज की बाय करी है, अभी जो है मैं इसकी मान लीजिए मैं 90 क्वांटिटीज की बाय कर लेता हूँ। 90 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बाय कर ली। इसके बाद टेक प्रॉफिट पे क्लिक करके आप इसके प्रॉफिट को टेक प्रॉफिट को सेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसके स्टॉप लॉस को सेट कर सकते हैं। मैं दोनों ही रहने देता हूँ, आपको सिंपल करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेल 90 NSE रिलायंस मार्केट प्राइस पे, इस पर मैंने क्लिक करा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ऑर्डर एग्जीक्यूटेड
सोल्ड 90 एनएससी रिलायंस एट 2299.25 रुपए मार्केट प्राइस पर। इसको मैंने यहाँ से कट करा। अब मैं जो है फिर से अपने यहाँ पर जाता हूँ, इस लोगो पर क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पर पोजीशन में दो दिखाई दे रहे हैं। पहले मैंने टाटा एलेक्सी को यहाँ पर देखिए बाय किया था, मतलब बाय मतलब लॉन्ग साइड, मतलब लॉन्ग मतलब बाय किया था। और इसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए रिलायंस में जो है एनएससी के 90 शेयर को सेल करा है। तो मैंने यहाँ पर पहले क्या करा है, मैंने यहाँ पर शॉर्ट करा है। अगर आप पहले सेल कर देते हैं बाद में बाय करते हैं तो उसे हम शॉर्ट कहते हैं, और अगर आप पहले बाय करते हैं बाद में सेल करते हैं तो उसे हम लॉन्ग कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं टाटा एलेक्सी में लॉन्ग दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने इसमें पहले बाय किया है, और यहाँ पर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज में पहले मैंने सेल करा है तो यहाँ पर आपको साइड में शॉर्ट दिखाई दे रहा है। क्वांटिटी मैंने 90 बाय करी है, एवरेज फिल प्राइस जो है 2299.25 रुपए है, लास्ट प्राइस जो है 20 है, प्रॉफिट एंड लॉस मुझे यहाँ पर लगातार कंटिन्यूअस देखने को मिल रहा है। सारी चीज़ें आपको लाइव मार्केट में करके दिखा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें वैसे ही काम करती है जैसे आप रियल मनी लगाकर शेयर ट्रेडिंग करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लाइव मार्केट में देखने को मिलती रहेगी। अभी जो है यहाँ पर देखिए 12:51 हो रहा है और मार्केट जो है 3:15 या 3:30 तक ओपन रहती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने यहाँ पर पहले टाटा एलेक्सी के शेयर को बाय करा है पेपर ट्रेडिंग में, और उसके बाद मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को यहाँ पर सेल करा है। अब क्या करना है, अब मान के चलते हैं कि अब आपको सपोज करिए आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो बिगिनर्स अगर आप हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है कि आपको पहले अपनी कोई स्ट्रेटेजी को इसमें फॉलो करना है। आपको ये ढूंढना है कि कौन से शेयर आज जो है नीचे करने वाले हैं, तो पहले आप उसे सेल कर देंगे, बाद में उसे बाय कर लेंगे। आपको लगता है कि कोई आज शेयर जो है प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जाने वाला है, तो आप जो है शुरुआती दौर में अपने जब आप शेयर मार्केट में नए नए हैं तो आपको इस तरीके से पेपर ट्रेडिंग करनी है, और अपनी रियल मनी को बचा के अपनी एक वर्चुअल मनी को यूज करके एक आपको एक्सपीरियंस लेना है, ताकि सारी चीजें आपको लाइव मार्केट में समझ आए धीरे धीरे। क्योंकि आपको अगर नए नए हैं और आपने सारा पैसा लगा दिया तब आपको जो है लॉस होना तय है। तो फिलहाल देखिए अब मैं जो यहाँ पर इसको फिर से इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद अब देखिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसे जो है सेल कर दूँ। टाटा एलेक्सी के शेयर को जो मैंने यहाँ पर बाय करा था इसे मैं सेल कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक करा, इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर दिखा दे रहा प्रोटेक्ट पोजीशन, क्लोज पोजीशन, रिवर्स पोजीशन। अब मुझे इसे जो है मैंने पहले बाय करा था, अब इसे मैं सेल करके इस ट्रेड को बंद बुक कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पर क्लोज पोजीशन पर क्लिक करा, क्लोज पोजीशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है पोजीशन दिस, और यहाँ पर आपको पार्शियल क्लोज अगर करना हो तो इस पर टिक करना है, अगर आपको फुली क्लोज करना हो तो यहाँ पर आपको टिक नहीं करना है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए क्लोज पोजीशन पर क्लिक करा, और यहाँ पर देखिए जो मेरा यहाँ पर अभी दो दिखाई दे रहा था ना आपको, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है टाटा एलेक्सी जो है यहाँ पर यहाँ से हट चुका है। अब हम कहाँ पर जाएंगे, ऑर्डर्स में आएंगे। तो यहाँ पर आप ऑर्डर हिस्ट्री देख सकते हैं कि पहले टाटा एलेक्सी मैंने यहाँ पर बाय किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री को सेल किया है, और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर टाटा एलेक्सी को सेल कर दिया है। अब इसके बाद आप हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगी, अकाउंट हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पर आपको अकाउंट हिस्ट्री भी देखने को मिल जाएगी। तो टोटल मुझे यहाँ पर देखिए -2.28 के यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई दे रहा है। अब इस तरीके से मैंने यहाँ पर देखिए टाटा एलेक्सी के शेयर को सेल कर दिया है। अब इसके बाद जो है मैं चाहता हूँ कि मैं फिर से रिलायंस इंडस्ट्री के जो शेयर को मैंने यहाँ पर सेल करा था पहले, अब उसे मैं बाय करके इस ट्रेड को बंद कर दूँ, क्लोज कर दूँ। तो मैंने सिंपली क्या करा, मैंने सिंपली इस पर क्लिक करा, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लोज पोजिशन पर क्लिक करा, और क्लोज पोजिशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने पोजिशन की डिटेल दिखाई देगी, और इसके बाद यहाँ पर आपको क्लोज पोजिशन पर क्लिक कर देना है। और क्लोज पोजीशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए पोजीशन में ये दोनों ही शेयर हमारे हट चुके हैं। पोजीशन का मतलब होता है कि सेम डे आज जो भी मैंने यहाँ पर शेयर बाय या सेल करे होंगे, मतलब उसे कंप्लीट नहीं करा होगा, या तो सिर्फ बाय करा होगा या सिर्फ सेल करा होगा, तब तक आपको यहाँ पर पोजीशन में दिखाई देगा। और ऑर्डर जो भी आप लगाएंगे वो यहाँ पर आपको ऑर्डर्स में दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए 4 ऑर्डर मेरे दिखाई दे रहे हैं। पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने बाय किया था टाटा एलेक्सी के शेयर को, उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को सेल करा था, उसके बाद मैंने टाटा एलेक्सी के शेयर को सेल करा था, और उसके बाद मैंने यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को बाय कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर हिस्ट्री में भी आप देख सकते हैं, अकाउंट हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, वो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो है लाइव देखने को मिलती रहेगी। ये सारी चीज़ें आप लाइव मार्केट में प्रैक्टिकली कर सकते हैं बिना एक रुपए अपनी जेब से लगाए, और इस तरीके से आप एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजीज को जो है बैक टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वर्चुअल मनी मिलता है, तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करें, और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए बिजनेस फील्ड को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।